गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव हे गोविंद दया निधे गुण निधे सीतापते श्रीपते श्री वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते मंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव की त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्य पाद महर्षि से भी ब्रह्मन जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्य पाद ब्रह्मलीन महर्षि सहाय स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन ब्रह्मन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय हमारे जायसवाल साहब तथा हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय रामनाथ बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। इस संसार को बनाने वाले परम पिता परमात्मा है। परमात्मा ने 84 लाख प्रकार की जोनियां बनाई, जलचर थलचर नवचर नाना जेजड़ चेतन जीव जहाना। जीव जंतु हैं नवचर जो आकाश में रहते हैं, जलचर जो जल में रहते हैं, और थलचर जो जमीन पर रहते हैं। और फिर इसी का विभाजन किया अंडज पिंडज उष्मज अकुरज, अंडा से उत्पन्न होने वाला, पिंड के रूप में उत्पन्न होने वाला, उष्मज गर्मी से पैदा होने वाला, अंकुरज जो अंकुरण की क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है गाछ वृक्ष आदि। तो ये चार खानी में, चार वर्ग में बांटा गया है। सूरज चांद नदी पहाड़ जो कुछ भी हम देखते हैं, रंग बिरंग के फूल, सबका सृजन करने वाले मालिक परमात्मा है, सबका ईश्वर एक है, और उनको प्राप्त करने का रास्ता भी अपने अंदर में है। हमारे देश में बहुत सारे अवतार हुए हैं, अवतार के संबंध में लोग पूछते हैं कि स्वामी जी बताइए अवतार क्या है। तो परमपिता परमात्मा के आदेश से जब जब धरती पर दुष्ट की संख्या बढ़ जाती है, पाप बढ़ जाता है, तो परमात्मा भेजते हैं अपने दूत को, जाकर धर्म की स्थापना करो। तो इसी रूप में
अनेक अवतार भी हैं, मीन अवतार, कच्छप अवतार, बामन अवतार, अनेक अवतार हैं होते रहते हैं, रामा अवतार, श्री कृष्ण अवतार आदि आदि, ये सब अवतार हैं। अवतार का मतलब क्या होता है? अवतरंती जना इति अवतार है, भगवान उतरते हैं। हाँ, भगवान क्या करते हैं? उतरते हैं, जन्म नहीं लेते, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान उतरते हैं, अवतार लेते हैं। मथुरा के झील में भगवान प्रकट हो गए, माता कौशल्या के पास भगवान श्री राम प्रकट हो गए, जन्म नहीं लिया भाई, प्रकट कृपाला प्रकट हो गए भगवान। भगवान बहुत तरह की लीला करते हैं। आज थोड़ा सा भगवान की लीला के संबंध में कहेंगे। अभी देखिए भाद्रो का महीना है ना, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है ना, कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान प्रकट होते हैं और भगवान लीला करते हैं। मथुरा के जेल में भगवान प्रकट हो गए, और देखिए कंस कितना अत्याचारी है कि वसुदेव जी महाराज और माता देवकी को जेल में बंद कर दिया है, खड़े नहीं हो सकते, हिल नहीं सकते, नहीं तो कांटे जो है चुभ जाते हैं शरीर में। कितना कष्ट हुआ होगा, इतना कष्ट झेले, और भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान के मुंह में 32 दांत है, भगवान के माथे पर मुकुट है, हाथ में बल्ला है, गले में वैजयंती माला है, पैर में पायल है, भगवान का अंग प्रत्यंग में स्वर्ण आभूषण जटित है। अब जेल में अंधकार था, लेकिन भगवान का जैसे ही प्रकट हुआ तो जेल में प्रकाश हो गया, और भगवान का सुंदर रूप देख करके माता देवकी और वसुदेव जी महाराज प्रणाम करना चाहा भगवान को, लेकिन प्रणाम कैसे करें, दंडवत कैसे करें, कर नहीं सकते हैं, हाथ में हथकड़ी है, पैर में बीड़ी है, जेल में बंद है। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया, क्या किया? प्रयास किया, जोर से झटका मारा, पैर की पीढ़ी को झटका मारा, टूट गया हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ी खुल गए, और साष्टांग दंडवत किया। क्या कहा? गोपाल बालम भुवने कपालम संसार माया मति मोह जालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालम मुकुंदम सिरसा नमामि। भगवान के बाल रूप को प्रणाम कर रहे हैं देवकी वसुदेव। आप प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के पहले ही जब प्रणाम करना चाहा तो खुल गया हथकड़ी बड़ी। भगवान के ऊपर अपने को चरणाश्रित कर दिया, कुर्बान कर दिया, न्यौछावर कर दिया। भगवान कहते हैं, माँ मैं आ गया, अब तो तुम दोनों का कष्ट मैं दूर कर दूंगा। अब जरा समझिए, देवकी और वसुदेव कौन है? जीव है। देवकी और वसुदेव क्या है? जीव है, और भगवान परमात्मा है। जीव आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है,
वसुदेव जी महाराज सोचते हैं ये कई बेटों को मार दिया, इसको भी मार डालेगा, इसको भी मार डालेगा। तो क्या करते हैं, टोकरी में कन्हैया को लेकर के सोचते हैं जेल से बाहर कहीं कोई गांव में पहुंचा दें, इसका जान बच जाए। लेकिन मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, फाटक बंद है, कोई सुविधा नहीं है। जीव को इस संसार में कोई सुविधा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। एक प्रभु का सहारा ले लेता है, हाँ, तो उससे जीवन की समस्या का समाधान होने लगता है। जीव बंधन में है, जीव दुखी है, लेकिन भगवान को अपने मस्तक पर नहीं बैठाता है, संसार को माया को अपने माथे पर ढोते रहता है। यही कारण है जीव दुखी है संसार में। फाटक बंद करवा दिया है कंस ने, लेकिन भगवान को लेकर जैसे ही फाटक के पास पहुंचते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता फूल की वर्षा कराते हैं और फाटक धड़ाम से खुल जाता है। वसुदेव जी महाराज को लेकर, वसुदेव जी महाराज श्री कृष्ण को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वहां पर पहरेदार भी फिट है, बहुत सारे पहरेदार रखा गया है, कोई पार नहीं हो गेट। लेकिन भगवान की योग माया से देखिए क्या चमत्कार होता है। भगवान की योग माया से जो द्वारपाल था उसको नींद आ गई, कुछ दारू पी करके सो गए, पार हो गए। चलते चलते जमुना जी के किनारे पहुंचे तो देखते बाढ़ आया हुआ है, अब वहाँ कैसे ले जाए पार करें। जमुना जी की धार बड़ी तेज है, फिर भी वसुदेव जी को चिंता है ये कन्हैया को मार डालेगा, इसको बचाना बहुत जरूरी है, जान को जोखिम में डाल करके भी जमुना जी में प्रवेश करते हैं। पैर भसने लगता है, ठेवने पर पानी में जाते हैं, जंगा पर पानी में जाते हैं, पैर भसने लगता है। अब डर गए वसुदेव जी महाराज कि अगर श्री कृष्ण डूब जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, जो दुनिया को तैराता है, दुनिया को बचाता है, वो डूब जाएगा। वसुदेव जी की आंख में बात्सल्य का चश्मा है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन डर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण समझ लिए कि हमारे पिताजी डर गए हैं, और जमुना मैया तो भगवान श्री कृष्ण का चरण रच लेना चाहती, इसलिए उफान में आ गई। भगवान कृष्ण ने अपना पैर लटका दिया नीचे, जमुना मैया आई और चरण रज लेकर के शांत हो गए, और वसुदेव जी महाराज जमुना जी पार हो गए। कहने का मतलब क्या है, जब जीव रूपी वसुदेव प्रयास करता है तो भगवान ने भी प्रयास किया, ने? वो प्रयास कर रहे हैं, चाहे मर जाऊं चाहे डूब जाऊं, लेकिन भगवान बच जाए तो भगवान ने भी सहयोग किया और उन्होंने भी चरण नीचे लटका दिया। अगर जीव गाल पर हाथ डाल करके बैठा रहे, सोया रहे, परमात्मा के लिए चिंतन न करे, प्रयास न करे उनको पाने के लिए, तो परमात्मा भी कहाँ तक क्या करेंगे। इसका मतलब ये भी है कि वसुदेव रूपी जीव को सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, परमात्मा को पाने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अब देखिए पहुंच जाते हैं कहाँ, नंद रानी के भवन में, नंद बाबा के भवन में। जब वहाँ पहुँचते हैं तो योग माया का जन्म दी है कौन, जसोदा जी। वहाँ कन्हैया को ले जाते हैं ना,
टोकरी से नीचे उतारते हैं तो कन्हैया रोने लगते हैं। माता यशोदा गहरी नींद में सोई हुई है, अब भगवान जगा रहे हैं, रो रहे हैं भगवान। अच्छा भगवान क्यों रोए बता सकते हैं? जब यशोदा मैया के पास भगवान को उतारा गया, अजोग मैया को अपने माथे पर रख लिया, तो उस समय माता भगवान श्री कृष्ण क्यों रोए? भगवान इसलिए रोए कि माँ मैं तुम्हारे पास आया और तुम अभी तक सोई हुई है, जाग। फिर माता का नींद टूट गई, तो भगवान जगाने के लिए आते हैं। योग माया को बैठा लिया माथे पर, फिर चल दिए। अब चल दिए तो क्या हुआ, फिर उसी रास्ते से यमुना जी में आए, पार कर गए। फिर धीरे धीरे अपने नियत जगह पर आए, स्थान पर, और जेल में आ गए। सब दुश्मन जो था, द्वारपाल जो था, सब जाग गया। और भगवान फिर जेल में, वसुदेव फिर जेल में ही चले गए। हथकड़ी लग गई, बेड़ी लग गई। कहने का मतलब है आप प्रयास करिए, ये संसार रणभूमि है, ये कर्म क्षेत्र है ना, यहाँ कर्म कीजिए, परमात्मा आपको अवश्य मिलेंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, बतलाते जब 7 दिन के भगवान हो गए ना, तो पूतना मारने आ गई। जब पूतना मारने आई ना भगवान, अब इतना बड़ा फंक्शन समारोह मना रहे हैं, कौन? नंद बाबा, माता यशोदा, कि सभी ग्वाल वाले गोपी आ गए दर्शन करने के लिए, बड़ी भीड़ लगी हुई। अब भगवान को झूला पर झूला दिया है, भगवान झूला पर झूल रहे हैं, और इधर ही आती है पूतना, बहुत सच धज के आती है, और नंदरानी से कहती है, ओ नंदरानी हमें नहीं जानती हो? तो नहीं माँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। अच्छा तुम नहीं आई हो ना, तुम क्या जानोगे, तुम्हारे सास हमको जानते थे, बड़ा आदर किया, आइए बैठिए। अब कोई नहीं पहचानता उनको, आश्चर्य भी था लेकिन फिर भी आदर किया, आदर से बैठाया। कुछ ही देर के बाद वो खड़ी हो जाती, मैं तुम्हारा लाला को देखूंगी, और चली जाती है। लाला तो पालने में झूल रहे हैं, ऐ क्या करती है, जाकर के वैसे उठा लेती गोद में जैसे बाज मांस पर झपट पड़ता है, मांस के टुकड़ा पर बाज कैसे झपटता है, झपट लिया, उठा लिया, और एकदम अपना स्तन पान कराने लगे। तो भगवान तो जगे हुए थे, भगवान दोनों हाथ पर इस तरह से बच्चा करता है, कर रहे हैं, लेकिन जब गोद में उठाकर दूध पिलाने लगे तो भगवान ने आंख बंद कर लिया। कुछ लोग बोलते हैं भगवान आंख क्यों बंद कर लिए, तो कुछ लोग का कहना है कि भगवान आंख इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान पुरुष है, अब पूतना नारी है, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। कुछ लोग कहते हैं ये बात नहीं है, तो क्या बात है? कुछ लोग कहते हैं भगवान की आंख में रोशनी है, अब पूतना अंधकार है। भगवान आंख खोल देंगे तो पूतना को ज्ञान हो जाएगा, भगवान को नहीं मारेगी, तो भगवान का लीला पूरा होगा? लीला पूरा नहीं होगा, लीला अधूरा रह जाएगा, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दिया है। और बहुत सारी बात है। अस्तु, भगवान
को पूतना दूध पिलाती है और आकाश में उड़ जाती है। भगवान पूतना का दूध भी पीते हैं, खून भी पीते हैं, प्राण भी पी जाते हैं और राम नाम सत्य हो जाता है। अनेक कथाएं हैं भगवान की। अब भगवान के लिए तो रोज दर्शनार्थी आते हैं, रोज उत्सव मनाया जा रहा है, बतलाते हैं। बहुत सारे अतिथि आ गए तो सोचा कि बड़ा कमरा है तो ऐसी में दे देते हैं। अब कमरा भगवान का खाली करा लिया। अब भगवान को कहाँ दे दिए जानते हैं? एक बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी के नीचे में। इधर तो कंस रोज भेज रहा है राक्षस को, आज शक्टासुर को भेज दिया। अब शक्टासुर आके बैठ गया बैलगाड़ी पर। इधर फंक्शन हो रहा है, समारोह, भजन लोग गा रहे हैं, बाजे गाजे बज रहे हैं, अभी मस्त है। भगवान देख लेते हैं कि हमारे मौसा जी आ गए हैं। अब धीरे धीरे मौका पा करके बैलगाड़ी दबाने लगता है शक्टासुर। दबाते 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 इधर भगवान साइकिल चलाने लगता है। साइकिल चलाते चलाते भगवान इतना जोर से मारा कि बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई। हल्ला हो गया, ये आवाज़ कहाँ से आया? तो लोग देखा, कह रही तो उसको तो कुछ नहीं हुआ। अग्वाल वालों ने देख लिया कि राक्षस आया था, इस तरह से दबा रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा पैर से मारा कि आकाश में उड़ गया। इस तरह से भगवान अनेक प्रकार की लीला करते हैं। एक बार माता जसोदा भगवान को गोद में ली हुई है। अब माता जसोदा आंगन बुहाड़ रही है, बुहाड़ना चाह रही है। अब इतने में फिर तृणावर्त आ जाता है। जब तृणावर्त आया तो वो देख रहा है कि माता जसोदा कन्हैया को गोद में लिए है, मैं कैसे पकड़ूं इसको, मौका चाहिए। तो भगवान ने भी उसको देख लिया, तृणावर्त को। अब भगवान ने योग माया फैला दिया। भगवान ने क्या किया, अपना वजन बढ़ा दिया। तो जैसे ही भगवान ने वजन बढ़ाया ना, तो माता जसोदा संभाल नहीं पाई। माता जसोदा के मन में होने लगा, लगता है कन्हैया दूध ज़्यादा पी लिया है, इसलिए भारी हो गया है, रख देती। झाड़ू लगाती है, तृणावर्त को मौका लगता है और कन्हैया को लेकर के आसमान में उड़ जाता है। अब जरा देखिए, उड़ा जा रहा है, बहुत ऊंचाई पर चला गया। अब धीरे धीरे भगवान क्या करते हैं, अपना वजन बढ़ा देते हैं। अब जब वजन बढ़ा दिए तो संभाल नहीं पाया, धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। तो भगवान का मुंह देखे, वो कौन, तृणावर्त। वो सोचा कि अरे कन्हैया तो छोटा सा बच्चा है, लगता है कोई पहाड़ को तो नहीं उठा लिया, लगता है गलती से कोई पहाड़े उठा लिया। तो टुकुर टुकुर मुंह देखता है भगवान का। भगवान को हंसी आ जाती है। भगवान एक मुक्का मुठोर से मारते, बोलते दुष्ट, दुनिया के लोग पत्थर में भगवान मानता है और तुम भगवान में पत्थर देख रहे हैं। मारा भगवान कस करके, तृणावर्त नीचे गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। भगवान को कोई मार सकता है? कोई नहीं मार सकता है। अति बलशाली है, अति कृपालु भी है। ये तो भगवान की महिमा है, ये तो भगवान की महिमा है कि भगवान अपने मारने वालों को भी अपना धाम दे दिया, पूतना को, जो माता जसोदा को दिया था। अब भगवान श्री राम ने रावण को, कुंभकर्ण को वही स्थान दिया जिस स्थान में राजा दशरथ गए, वही स्थान में रावण और कुंभकर्ण भी गया। तो भगवान कितने दयालु हैं। लेकिन बाबा चरणदास जी महाराज कहते हैं इनसे भी दया करने वाले कोई विशेष भी है। वो कौन है?
वो कहते हैं बाबा चरणदास जी, पितु से माता सौ गुना, सुत को राखे प्यार, मन से तीसे बन करे, तन से डांट डुगार, माता से हरि सौ गुना, जिनसे सौ गुरुदेव प्यार करे अवगुण हरे। चरणदास सुखदेव, पिता से माता का स्थान सौ गुना ऊपर, माता से हरि ईश्वर का स्थान सौ गुना ऊपर, और ईश्वर से भी सौ गुना ऊपर स्थान सदगुरु का। क्यों भाई? तो प्यार करे। प्यार तो पिता माता भी करते हैं, प्यार तो ईश्वर भी करते हैं, लेकिन गुरु के लिए नया शब्द दे दिया अवगुण हरे। अवगुण कोई हरेगा नहीं, न पिता न माता न हरि। परमात्मा तो बांध दिया हमको खूंटा में, माया के खूंटा में बांध दिया, लेकिन सदगुरु ने छुड़ा दिया। सदगुरु ने दीक्षा देकर के क्या किया? छुड़ा दिया। इसलिए गुरु की महिमा बड़ी। गोविंद के किए जीव जाता है रसातल को, और गुरु उपदेश से तो छूटे जम फंद दे। हाँ देखिए, बलि के दरबार में भगवान आए, बलि को कहाँ ले गए? पाताल ले गए ना, बलि को पाताल लेके चले गए। भगवान प्रसन्न भी हो जाएंगे, भगवान सब कुछ दे भी दे देंगे, लेकिन जीवन का दुख दूर होने वाला नहीं है। राजा दशरथ के घर में बेटा बन करके आए भगवान श्री राम, और वसुदेव जी के बेटा बन करके आए श्री कृष्ण, लेकिन जीवन का दुख दूर हुआ नहीं। माता सबरी का जीवन का दुख दूर हो गया। सहजो भाई, मीरा भाई, इन लोगों का जीवन का दुख दूर हो गया। इन लोगों ने गुरु की भक्ति की, साधन भजन किया, और साधन भजन करके अंधकार प्रकाश और शब्द, ये जो तीन पर्दा है, ये तीनों को पार हो गए। इसलिए तन धर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तब सिखो दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुना हो, साँच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा जग जाई हो, कहत कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। इस संसार में केवल संत लोग सुखी हैं, इसलिए संत के शरण में ही जाना चाहिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की बड़ी महिमा है, इसलिए सत्संग में सबको आना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी समझे जन मोदित मन, मत जही अति अनुराग, लहे चार फल अचत तनु, साधु समाज पर्याग। सुनिए, उसको समझिए, समझ करके उसको हृदय में धारण कीजिए, और फिर आपको अनुभव हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्रियां नहीं है। आपकी सूरत सभी आवरणों को पार कर, सूरत चला प्रभु मिलन को, अब ईश्वर मुख को मुड़कर, है ना, ये सूरत उर्दगामनी हो जाएगी। सूरत ठहरानी रहे अकाशा, दिल खिड़की में निस्दिन बासा। तो इस तरह से हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे, फिर वापस इस दुनिया में नहीं आएंगे। आवागमन का चक्र सदा के लिए दूर हो जाएगा, जीव सदा के लिए सुखी हो जाएगा। आया था जिस काम को, उस काम को पूरा किया, अब बात क्या बाकी रहा, अब बात का क्या बाकी रहा, काट दिया जम के फंद को, अब बात क्या बाकी रहा, अब बात क्या बाकी रहा। तो यही जीवन का लक्ष्य है, इसको जीवन में प्राप्त करना चाहिए। अपने देश में देखिए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उन्होंने राजपाट को छोड़ करके भी भजन किया, नहीं किया? भगवान बुद्ध को देखिए, महावीर को देखिए, गोरखनाथ जी महाराज को देखिए, भर्तृहरि जी को देखिए, गोपीचंद को देखिए, सब राजा था। विक्रमादित्य को देखिए, अगर दुनिया में ही सुख होना होता तो ये लोग क्यों छोड़ते? भगवान बुद्ध को जब ज्ञान मिल गया,
लोग हंसता था है, राजपाट क्यों छोड़ा ही, भीख मांग करके खाता है। भगवान बुद्ध जब राजपाट छोड़ करके निकले थे तो सारथी ने पूछा था कि आप जो जा रहे हो क्यों जा रहे हो, बोला ज्ञान की खोज में, जब मुझे ज्ञान मिल जाएगा तो मैं वापिस आ जाऊंगा। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी वन, लुम्बिनी वन, हाँ लुम्बिनी वन, कपिल वस्तु में हुआ था, जो भी हो कपिल वस्तु में ही लुम्बिनी वन जगह है, कपिल वस्तु में ही है लुम्बिनी वन, तो वहाँ हुआ था। तो भगवान बुद्ध बताते आ गए थे आसपास, और फिर वहाँ भी आ गए, अपने जन्मभूमि पर भी आ गए भगवान बुद्ध। तो लोगों ने कहा कि आप घर घर की चूज क्यों छोड़े, इतना बड़ा राजपाट था, ये सब छोड़ करके क्यों निकले आप। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर ये सब नहीं छोड़ता तो आज मुझे शांति नहीं मिलती है, अगर ये सब नहीं छोड़ता तो मुझको आज शांति नहीं मिलती। तो छोड़ना भी जरूरी है ना, इस मानव जीवन में त्याग करना जरूरी है, क्योंकि त्यागा शांति निर्गच्छति, त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। त्याग जीवन में बहुत जरूरी है, त्याग तपस्या संयम सदाचार ध्यान भजन ये सब अगर हमारे जीवन में सत्कर्म नहीं होगा तो ईश्वर की प्राप्ति हम नहीं कर सकेंगे, इसलिए ये सब भी करना जरूरी है। गुरु महाराज को क्या कमी थी, गुरु महाराज के जीवन में कुछ कमी थी, कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज को कैसा वैराग्य हुआ, अथाह वैराग्य हुआ, और गुरु महाराज कहाँ कहाँ भटके, साधन भजन किए, और फिर गुरु महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक बार की बात है, गुरु महाराज बैठे हुए थे, नहीं जाए समझ, अब खत्म है, लोग खत्म करी छी, खत्म करी छी, हाँ गुरु महाराज बैठे थे, तो गुरु महाराज के पास आ गए कुछ लोग मिलने के लिए। गुरु महाराज का दर्शन करके वो लोग जाने वाला था बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की टिकट बनी हुई थी चारों धाम की, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री। एक दिन वहाँ रहा, बोला गुरुदेव हमारी टिकट बनी हुई है, वहाँ जाएंगे बद्रीनाथ, जाएं कि नहीं आदेश दिया जाए। तो गुरु महाराज थोड़ी देर आँख बंद कर लिए, हम बोले कि देखो यात्रा ठीक नहीं है मत जाओ, यात्रा ठीक नहीं है मत जाओ। तो गुरु महाराज को मानता था, बोले ठीक है गुरुदेव टिकट कैंसिल करवा देता हूँ। टिकट कैंसिल हो गया, लेकिन जिस बस में टिकट बनी थी, दूसरा दिन पेपर में आया कि फलाने नंबर की बस चट्टान से टकरा करके 20,000 फीट नीचे खाई में गिर गई। अब बस का ही पता नहीं चला, आदमी का पता क्या चलेगा। तो ऐसे गुरु महाराज महापुरुष थे है ना, दृष्टिवान, दृष्टिवान महापुरुष, और दृष्टि खुलेगी ध्यान करने से, बिना ध्यान किए भी दृष्टि खुल नहीं सकती है, इसलिए एक आसन से ज़्यादा देर तक बैठना चाहिए, हमेशा मंत्र जपते रहना चाहिए, शरीर से कोई पाप नहीं हो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। यही सेवा में सुनाया, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।